नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के दो पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। अब हम थर्ड पॉइंट यानी कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंटरडिपेंडेंस मतलब कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर ऑलवेज डिपेंड रहते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। In class 6, you have learned that all living organisms depend on each other directly or indirectly. यानी कि standard 6 में आप सभी ने ये तो पढ़ा ही होगा कि सभी living organism एक दूसरे के ऊपर directly अथवा तो indirectly depend रहते ही है। Also in chapter 1 of this book, you have learned about the producer and consumer. यानी कि इस book के chapter 1 में स्टैंडर्ड में जो साइंस बुक है हमारी उसके चैप्टर 1 में आपने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बारे में पढ़ा ही होगा कि ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स हमारे चैप्टर में आ ही गया है, उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो क्या जिसने प्लांट्स क्या है तो क्या प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर में भी हर्बीवोरस और कार्निवोरस। कंज्यूमर में कौन आते हैं? हर्बीवोरस और कार्निवोरस, मतलब कि हम सब कंज्यूमर में आते हैं। जो भी प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं उन सबको हम ईट करते हैं, फिर चाहे वो हम हो अथवा तो एनिमल्स हों। ऑल एनिमल्स अल्टीमेटली डिपेंड ऑन प्लांट्स ऑफ देयर फॉर देयर फूड, यानी कि सभी एनिमल्स भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं उनके फूड के लिए। इफ देयर आर नो प्लांट्स हर्बीवोरस विल नॉट गेट फूड, अगर प्लांट्स ही नहीं होते तो हर्बीवोरस जैसे कि डियर, ग्रास होपर ये सभी को फूड मिलता ही नहीं। इन टर्न कार्निवोरस लाइक द लायन, फॉक्स, स्नेक विच ऑल्सो गेट देयर विच ऑल्सो नॉट गेट देयर फूड, उनके साथ साथ कार्निवोरस जैसे कि लायन हो, फ्रॉग हो, स्नेक हो, इनको भी उनका प्लांट्स उनका फूड नहीं मिलता अगर प्लांट्स ना हो तो। सच अ चेन इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर वन इज कॉल्ड अ फूड चेन, यानी कि ऐसी चेन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करता है, मतलब कि एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं तो वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर वन, जिसको फूड चेन कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग दिस प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, ये खाने की प्रोसेस है। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय मीन्स ऑफ एग्जांपल, यानी कि एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रास इज ईटन बाय ग्रास होपर विच इन टर्न इज ईटन बाय फ्रॉग। ग्रास को कौन ईट करता है तो क्या ग्रास होपर, उसके बाद उसे फ्रॉग ईट करता है, फ्रॉग को फर्दर स्नेक ईट करता है और स्नेक को ईगल। इस तरह से एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को और चौथा, इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इससे कहते हैं दिस फूड चेन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। इस फूड चेन को अगर हमें बताना हो तो कैसे बताएंगे तो क्या देखें, ग्रास को ग्रास ऊपर ने, उसके बाद फ्रॉग ने, स्नेक ने और लास्ट में ईगल। इस तरह से एक दूसरे क्या करते रहते हैं तो के ईट करते रहते हैं, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे को एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ईट करता है, इसे कहते हैं फूड चेन। अनदर फूड चेन फंक्शनिंग इन अ फॉरेस्ट कैन बी एज फॉलोस, और दूसरा एक फॉरेस्ट में होने वाला एग्जांपल है तो ग्रीन प्लांट्स को रैबिट, रैबिट को फॉक्स। मेनी फूड चेन आर फाउंड इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में बहुत सारे फूड चेन पाए जाते हैं। ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर, सभी फूड चेन एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं यानी कि कनेक्टेड होते हैं। इंटरलिंक्ड फूड चेन्स फॉर्म्स अ फूड वेब एज शोन इन फिगर 17.8। इंटरलिंक्ड मतलब देखो 17.8 में फिगर दिखाया गया है, जैसे कि इंटरलिंक मतलब इसमें हमने ऊपर में क्या देखा था, इसको यही खा सकता है, फ्रॉग है और प्लांट्स को नहीं खा सकता, ग्रास को नहीं खाता, ग्रास होपर ही क्या खाता है, ग्रास को खाता है। लेकिन इसमें देखो ये जो प्लांट्स है उसको रेड खाता है, रेड को ओवल भी खाता है और फॉक्स भी खाता है, उसी तरह रैबिट है, रैबिट को भी ओवल फॉक्स दोनों खा सकते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ क्या है तो कि इंटरलिंक्ड है, तो इंटरलिंक्ड फूड चेन फॉर्म्स अ फूड वेब, क्या बनाते हैं तो क्या फूड वेब। उसके बाद है डीकम्पोजर, डीकम्पोजर्स किसे कहते हैं तो देखते हैं, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड कहाँ से पाते हैं तो कि जो ऑर्गेनिज्म डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, उसके ऊपर से क्या लेते हैं तो कि उसको खाकर अपना फूड गेन करते हैं।
Not only do the living bodies of living organism provide food for others, but their dead bodies also serve as a food. क्या बोल रहे हैं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिविंग बॉडी ही दूसरे को फूड प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड तरह के सर्व करती है. द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फूड फॉर फंगा एंड बैक्टीरिया दैट लिव इन सॉइल. यानी कि हम जब सॉइल में डेड बॉडी को डालते हैं तो वहाँ पर रहने वाले फंगाई और बैक्टीरिया के लिए वो डेड बॉडी क्या है, तो कैसे फूड वो ईट करते हैं. दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डीकम्पोजर. ऐसे ऑर्गेनिज्म को डीकम्पोजर्स कहते हैं. ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ डीकम्पोजर्स फ्रॉम वेस्ट दे वेर मेड. ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ डीकम्पोजर्स द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट रिड्यूस्ड टू द सब्सटेंस फ्रॉम विच दे वेर मेड. यानी कि ये जो डीकम्पोजर्स उन्हें ईट करता है, इसकी वजह से उस प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी वापस क्या हो जाती है, तो कि कम होने लगती है. यानी कि धीरे धीरे उनकी बॉडी नैश होने लगती है और लास्ट में वही बन जाते हैं जिससे वो बने हुए थे. फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें तो कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रोक करें तो किस में कन्वर्ट हो गया, तो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. अदर सब्सटेंस और ऑल्सो ब्रोकन डाउन टू मिनरल्स विच रिटर्न टू सॉइल. देखा जो उसमें उस बॉडी में अगर दूसरे सब्सटेंस है तो वो किस में ब्रेक डाउन हो गए, तो कि मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जो वापस सॉइल में आ जाएगा. हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बाकी के सब्सटेंस है वो मिनरल्स में कन्वर्ट होकर सॉइल में रह जाएंगे. डीकम्पोजर्स आर रिसाइक्लर्स. डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, तो कि एक प्रकार के रिसाइक्लर्स है. यानी कि एक में से दूसरे तक न्यूट्रिशन मिनरल्स को पहुंचाना. दे रिसाइकल द सब्सटेंस फ्रॉम विच लिविंग थिंग्स आर मेड सो दैट दे कैन बी अब्सॉर्ब्ड अगेन फ्रॉम द सॉइल. और रिसाइकल सब्सटेंस को वापस सॉइल में डालते हैं ताकि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म वापस उसे एब्जॉर्ब कर सके. अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो हमने आगे भी मैंने आपको बोला होगा कि हम क्या करते हैं, डेड बॉडी को सॉइल में डालते हैं. उस सॉइल में फंगाई और बैक्टीरिया रहते हैं जो सभी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स को वापस सॉइल में कन्वर्ट करते हैं. उस वहाँ पे हम प्लांट ग्रो करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में आ जाएंगे. उस प्लांट्स में से जो हमारा फूड है वो फूड हम लेके ह्यूमंस खाते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स हम में आ गए और वापस हमारे मर जाने के बाद हम वापस सोइल में. तो एक प्रकार का रिसाइकलिंग प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है. उसके बाद है डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर हम डिपेंड किस तरह से रहते हैं, किस किस वजह से, तो एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड. डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल, यानी कि प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं किस वजह से, तो कि एक तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जरूरी है. जो कौन बाहर निकालता है, तो कि एनिमल्स. दूसरा है पोलिनेशन, रिक्वायर्ड फॉर सीड फॉर्मेशन. पोलिनेशन एक प्रोसेस है जो सीड फॉर्मेशन के थ्रू होती है, और वो किसकी वजह से, तो कि बर्ड्स की वजह से. देखो यहाँ पे ये बर्ड्स है वो पोलिनेशन प्रोसेस कर रही है, तो ये भी जरूरी है प्लांट्स के लिए. तो इस वजह से भी प्लांट्स है वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है. दूसरा है तो के डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट, यानी के सीड्स और फ्रूट का डिस्पर्सल प्रोसेस में भी एनिमल्स की जरूरत पड़ती है. और लास्ट में है कि एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर किस किस वजह के लिए डिपेंड रहते हैं. तो पहले तो उन्हें फूड चाहिए जो प्लांट्स में से मिलता है, जैसे कि ग्रेस हो, लीव्स हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, नट्स हो. दूसरा ऑक्सीजन जो प्लांट रिमूव करता है, उसके लिए भी उन्हें प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है एनिमल्स को, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, तो के ऑक्सीजन को रिमूव करता है जो एनिमल्स रेस्पिरेशन प्रोसेस में जरूरत पड़ता है. और दूसरा है शेल्टर. शेल्टर यानी कि हम सबको पता है शेल्टर मतलब पहनने के लिए, रहने के लिए. ये सभी जगह बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज, रहने के लिए बर्ड्स ट्रीज पे रहते हैं. ट्रीज ऑल्सो सर्व एज अ शेल्टर फॉर नंबर ऑफ एनिमल्स. ट्री से वो बहुत सारे एनिमल्स के लिए घर जैसा होता है, जैसे कि मंकी के लिए. तो यानी कि रहने की जगह भी प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को. तो इन सभी वजह के लिए एनिमल्स जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं. तो चलो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में लर्न करेंगे.